फिर से मिला है मुझे गुलाम अली की आवाज़ से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया। 9:52 हो रहे हैं, 30 तारीख 11वां महीना 2019। आज की रात के बाद हम अपने इस साल के आखिरी महीने की पहली तारीख में दाखिल होने वाले हैं। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। मुझे कहते हैं आतिफ मसूद और आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सएल 1296। करूँगा पिछले प्रोग्राम में आप लोगों का उन्होंने साथ निभाया, मुझे होगा अब है मेरी बारी और अब से लेकर 11 बजे तक मैं आप लोगों का भरपूर तरीके से साथ निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रोग्राम में आप जानते हैं 9:30 बजे तक आपके लिए बैक टू बैक शायरी होगी, 9:30 से लेकर 10:30 तक आपकी फोन कॉल्स होंगी और उसके बाद फिर से बैक टू बैक शायरी और बीच बीच में जहां जहां मुझे मौका मिलेगा कुछ गजलें प्ले भी की जाएंगी आपके लिए। ठीक है, तैयार हैं, चलें। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुसवा कर दे, तू मेरी रूह और मेरे जिस्म को अच्छा कर दे। किस कदर टूट रही है मेरी वाहदत मुझ में, ऐ मेरी वाहदतों वाले मुझे यकजा कर दे। ये जो हालात हैं मेरे मैंने बनाए हैं, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मेरे हर फैसले में तेरी रजा शामिल हो, जो तेरा हुक्म हो मेरा इरादा कर दे। मुझको वो इल्म सिखा जिससे उजाले फैले, मुझको वो इस्म पढ़ा जो मुझे जिंदा कर दे। जाया होने से बचा ले मेरे माबूद मुझे, ये ना हो के वक्त मुझे खेल तमाशा कर दे। मैं मुसाफिर हूँ सो रस्ते मुझे रास आए हैं, मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। मेरी आवाज तेरी हम्द से लबरेज रहे, बज़्मे कौनैन में जारी मेरा नगमा कर दे। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुसवा कर दे, तू मेरी रूह और मेरे जिस्म को अच्छा कर दे। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सएल 1296। इस प्रोग्राम को अगर आप लाइव देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। फेसबुक पर मैं इस वक्त लाइव हूं और जो लोग मुझे देख रहे हैं उनका शुक्रिया, और जो नहीं देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वक्त निकालिए और देख लीजिए। मेरा पेज है आतिफ मसूद रेडियो एक्सएल। अब तो आ जा ए मेरी जान से प्यारे दुश्मन, हर घड़ी दर्द की शिद्दत से सिसकती आंखें, और ऊपर से तेरे वसल के ख्वाबों का अजाब, रोज आंगन में खड़े पेड़ से गिरते पत्ते और सरे शाम परिंदों पे गुजरती आफत, नब्ज और दिल की बगावत से तड़पती ये हयात। इस शहर, इस भरे शहर में बढ़ता हुआ लोगों का कहत, रोज ही है मेरे साथ दीवारों की झड़प, रोज होती है मेरे साथ दीवारों की झड़प, रोज एक सांस को फांसी की सजा मिलती है। अब तो आजा ऐ मेरी जान से प्यारे दुश्मन, अब तो आजा कि तेरे हिजर के कैदी को यहाँ, रोज इस शहर में मरने की दुआ मिलती है। अब तो आजा ऐ मेरी जान से प्यारे दुश्मन। सरापा इश्क हूं मैं, अब बिखर जाऊं तो बेहतर है, जिधर जाते हैं ये बादल उधर जाऊं तो बेहतर है। ठहर जाऊं ये दिल कहता है तेरे शहर में कुछ दिन, मगर हालात कहते हैं कि घर जाऊं तो बेहतर है। दिलों में फर्क आएंगे, ताल्लुक टूट जाएंगे, जो देखा जो सुना उसने मुकर जाऊं तो बेहतर है। यहाँ यहाँ है कौन मेरा जो मुझे समझाएगा फराज, मैं कोशिश करके अब खुद ही संवर जाऊं तो बेहतर है। सरापा इश्क हूं मैं, अब बिखर जाऊं तो बेहतर है, जिधर जाते हैं ये बादल उधर जाऊं तो बेहतर है। उसे कहना ये दुनिया है, उसे कहना ये दुनिया है,
यहाँ हर मोड़ पर ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो अंदर तक उतरते हैं, अब तक साथ रहने की, इकट्ठे दर्द सहने की हमेशा बात करते हैं। उसे कहना ये दुनिया है, यहाँ हर शक मतलब की हदों तक साथ चलता है। जो ही मौसम बदलता है, मोहब्बत के सभी दावे, सभी कस्में, सभी रस्में अचानक टूट जाते हैं। उसे कहना ये दुनिया है। कितनी सच्चाई है ना इसमें। तो जो ही मौसम बदलता है, मोहब्बत के सभी दावे, सभी कस्में, सभी रस्में अचानक टूट जाते हैं। एक दफा फिर से पढ़ूं, गौर से सुनिएगा, उसको समझने की कोशिश भी कीजिए। उसे कहना ये दुनिया है, यहाँ हर मोड़ पर ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो अंदर तक उतरते हैं, अब तक साथ रहने की, इकट्ठे दर्द सहने की हमेशा बात करते हैं। उसे कहना ये दुनिया है, यहाँ हर शख्स मतलब की हदों तक साथ चलता है। जूं ही मौसम बदलता है, मोहब्बत के सभी दावे, सभी कस्में, सभी वादे, सभी रस्में अचानक टूट जाते हैं। उसे कहना ये दुनिया है, मेरे कुर्ब से मेरे वजूद तक, उसे इख्तिलाफ तो सदा का था, मेरे गम से मेरे जनून तक, ये फैसला बस अना का था, मेरी जिंदगी से मेरी सांस तक, वो फलसफा बस दुआ का था, मेरी बात से तेरे जिक्र तक, एक सिलसिला जो हवा का था, मेरी हकीकत से अब तक, वो खबर तहा का था, मेरे वहम से मेरे गुमान तक, एक मरहला वफा का था, मेरी तलब से मेरे नसीब तक, ये मामला बस खुदा का था, मेरे कुर्ब से मेरे वजूद तक, उसे इख्तिलाफ तो सदा का था, मेरे गम से मेरे जनून तक, ये फासला बस अना का था, मेरी जिंदगी से मेरी सांस तक, वो फलसफा बस दुआ का था, मेरी बात से एक सिलसिला जो का था, मेरी हकीकत से मेरे ख्वाब तक, वो बेखबर इंतहा का था, मेरे वहम से मेरे गुमान तक, एक मरहला वफा का था, मेरी तलब से मेरे नसीब तक, ये मामला बस दुआ। ये है आतिफ मसूद। आईना उससे छीन लाया हूं, खुद को नजरें लगाती रहती थी। आईना उससे छीन लाया हूं, खुद को नजरें लगाती रहती थी। क्या लगा था कि खुद को मुझ में निचोड़ दोगे, फिर हमसे पूछोगे गम हमारे जब दिल भरेगा तो छोड़ दोगे। बताओ जाना, यही लगा था, ये बेजरर सा जो एक लड़का आजजी का लिबास ओढ़े गलीज लोगों में जी रहा है। बहा के आंसू इताब अवरत बहुत तसल्ली से पी रहा है, बहुत ही चुप है तो चुप रहेगा, कि रोशनी भी ये कह रही थी अब अंधेरा ये गुप रहेगा।
तो ऐसी सोचें गुलामे दिल से निकाल फेंको, अगर अंधेरा यहाँ पे आए तो उस पे मेरी वो शाल फेंको, वो शाल जाना जो हमने सूरत से तेरी खातिर उधार ली थी, वो शाल जाना कि जिसमें हमने खिजा छुपा के तुम्हारी खातिर बहार ली थी, अगर वो फिर भी ना पीछा छोड़े तो उसको कहना कि मुझको हैदर ने ये कहा है कि रोशनी की ना फिक्र करना, किसी से मेरा ना जिक्र करना, मैं अपने हिस्से के सारे जुगनू तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा, कि अब अंधेरे ने तुझको देखा तो उसकी आंखें निकाल दूंगा। मगर जमाना बदल चुका है, तमाम चीजें जो मुफ्त ली थी अब तुम उसका हिसाब लिखो, कि मैंने लिखा था तुम उसके बदले किताब लिखो, लिखो कैसे शराब छोड़ी, लिखो के कैसे जनाब छोड़ी, लिखो के कैसे वो वादे तोड़े, लिखो के कैसे यूं अपने छोड़े, लिखो के कैसे चला था हैदर, लिखो के कैसे जला था हैदर, लिखो के कैसे वो चुप रहा था, लिखो अंधेरा ही गुप रहा था, मगर ये लिखने के वास्ते तो तुम्हें भी जलना पड़ेगा जाना, तुम्हें भी मेरी अकेली तुम्हें भी मेरी तरह अकेले जी के मरना पड़ेगा जाना, मगर ये तुमसे कभी भी लेकिन ना हो सकेगा, ना हो सका है कि कोई भी अब सच का पीछा ना कर रहा है, ना कर सकेगा। तो छोड़ो जाना सवाल सारे, फकत तुम अपना जवाब सुन लो, मेरा सारा अजाब सुन लो, कि कौन हूं मैं, पूछोगे मेरा शजरा तो गाजी का कौन हूं मैं, कभी जो लटका था सूली पर वो अनल हक का जनून हूं मैं, कभी मैं सबका जवाब दे दूं, कभी सवाले बदून हूं मैं, कभी मैं चीखूं भड़क भड़क के, कभी सरापा सकून हूं मैं, कभी मैं झेलूं जमाने भर को, कभी शिकस्ता सतून हूं मैं, कभी मैं पढ़ लूं नमाज सारी, कभी फराइज का खून हूं मैं, अगर सफाई नहीं ये काफी, अभी भी शक है कि कौन हूं मैं, तो सुन लो जाना नए जमाने का जॉन हूं मैं, सुन लिया ना कि कौन हूं मैं, जॉन था मैं, जॉन हूं मैं, जॉन हूं मैं, जॉन एलिया। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सएल 1296, मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। ये बस एक छोटा सा कमर्शियल है और कमर्शियल के बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, कैसा लगा? क्या बात है, क्या कहने, कमाल की शायरी, वाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। जॉन एलिया की इससे बेहतर शायरी मैंने आज तक नहीं पढ़ी है। अभी इसमें एक आध गलती हो गई है, मैं उसे दोबारा पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने उसको आज तक भेजा नहीं है। शायद भेजा भी है, पहले पढ़ा, एक दफा पहले पढ़ चुका हूँ मैं, पिछले साल इसी महीने पढ़ी थी मैंने, एक साल बाद ये दोबारा पढ़ रहा हूँ। स्टाइल देख रहे हैं भाई का आज बालों का। हाय, क्या कहने आते भाई। सलीम मुर्शिद यार, आप बार बार मैसेज करके ना मुझे यादों में ले जाते हैं, यादों में ले जाते हैं आप, छोड़े हैं। मुझे लगता है कि आप यहाँ बैठे हैं और मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, ऐसा लगता है मुझे। क्या लगा था कि खुद को मुझ में निचोड़ दोगे, फिर हमसे पूछोगे गम हमारे, जब दिल भरेगा तो छोड़ दोगे, ये लगा था। यार वो फोन भी आ रहे हैं, पता नहीं क्यों इतना।
तेरे की वीडियो देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस। चलें भाई इसके बाद मैं गाना लगाऊंगा और उसके बाद फिर फोन करेंगे। 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0121270500, नशर मुकर्रर। जी हाँ, रेडियो एक्सएल टाइम चेक 9:24 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सएल 1296। एक आधा गजल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उसके बाद फिर हम आपकी फोन कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे, ठीक है। अलीना मुमताज, नशर मुकर्रर। अच्छा, मैं पढ़ूंगा दोबारा, अभी नहीं, बाद में। क्या लग गया ये? अलीना यार, ये बंदे किधर चले जाते हैं? नवेद अख्तर, माशाल्लाह ब्रदर, लव योर वॉइस, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद फैसल, वाह। आतिफ भाई, आज जैकेट नहीं उतारी, अभी उतार रहा हूँ, गर्मी लगनी शुरू हो गई है मुझे। आज माइनस टेम्परेचर है इधर, नहीं है इधर, तो मतलब अंदर तो गर्म गर्मी है, लेकिन बस वो थोड़ा स्टाइल मार लू ना यार, रुको तो सही। अभी मतलब आपके सामने वही पुरानी किसी भी 5 साल पुरानी टी शर्ट पहन के बैठ जाऊंगा, कपड़े भी खत्म हो गए आप लोगों के सामने आने वाले। अब मतलब वही रूटीन बार बार के वो हो रहे हैं, मतलब अपनी वीडियोस देख के मैं खुद कहता हूँ यार मेरे पास और कोई कपड़े ही नहीं है। लोग जितनी वीडियोज बनाते हैं, हर वीडियो में नया कपड़ा होता है, वो मतलब वो दिखाते हैं कि देखो हमने ये नया जंपर लिया, नई जैकेट लिए। हम सादे से लोग हैं, हमारे पास, हम गरीब आदमी, हम नहीं है हमारे पास कपड़े, क्या करें, हम 4 जोड़े हैं टोटल। शामिल अशाद, यार जब मैं कमा रहा था ना इतने गिफ्ट आते थे, मैं इतने रोज कपड़े चेंज करता था। मैं साजिद, कॉल करो आज प्रोग्राम में। हाँ ना, और क्या, हम लोगों ने गिफ्ट देने भी छोड़ दिए, मतलब खुद भी अच्छा ही लगता है, परफ्यूम भी खुद खरीदना पड़ते हैं। तारिक क्या नहीं, बहुत खूब अंदाज, शुक्रिया। तो परफ्यूम्स भी, अब मतलब ये दिन देखने थे मुझे, एक प्रेजेंटर को परफ्यूम भी खुद खरीदने पड़ रहे हैं, मोबाइल भी खुद खरीदना पड़ता है अब। नहीं नहीं, वो नजर नहीं आ रही आपका नवेद यार। एवरी सैटरडे माय, क्या लिखा वो, ऊपर चला गया। आफ्ताब हुसैन, वालेकुम अस्सलाम आते भाई सऊदी अरब से। वानिया, नए कपड़े ले लो, आप गरीब हो क्या? हाँ ना, और क्या, नहीं पैसे से नहीं है भाई, मैं बस ले देना यार, यार पैसा नहीं है, सही बात है, गरीब आदमी, लोगों को लगता है यार बहुत अमीर हूँ मैं। हाँ तो भाई फैसल खान, इंशाल्लाह जरूर करूंगा। ये लो भाई, ये ले, कॉल कर लें, आ जाए, ये नंबर आ रहा है बार बार, कॉल कर लें भाई। बंदा सलामत रहे, कपड़े पुराने भी काफी होते हैं। हाँ ना, तो मुझे कोई खास शौक वोक भी नहीं है, जिस चीज का शौक है मैं बस बहुत कुछ है उनमें, तो मतलब शौकीन आदमी हूँ तो आपको पता है। शायरी आज पुरानी सुनाओ, है आज पुरानी सुनाओ, आपको लगता है मैं नहीं सुना रहा अरे पुरानी है भाई अभी चले कॉल कर लें। अब्दुल वहाब दमरी, ये कहा अब्दुल वहाब दमरी। आज मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त कलाम है यार, बंदे ने ना मुझे हैरान कर दिया आज। उनकी फेसबुक पे मेरे फेसबुक फ्रेंड थे, क्या नाम है उनका, मैंने सबसे एंड में रखी हुई है, मोहम्मद वली सादिक, मेरे फेसबुक फ्रेंड, मैंने देखा वैसे ही तो उन्होंने लगाई भी। मैंने जिंदगी में पहली दफा मैंने किसी को फेसबुक पे खुद मैसेज किया कि यार ये शायरी आपकी है, तो कह रहे हैं हाँ मेरी है। मतलब लोग अपना नाम वैसे ही लिख देते हैं ना, वो लगते नहीं इतना अच्छा लिखते होंगे तो ना वो, मैंने पूछा आपकी शायरी, कहते हैं हाँ। मैंने कहा आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ लूँ इसे, कहते हैं मैंने कहा अच्छा फिर ठीक है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा उनकी है, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि मेरी है तो मैं पढ़ लेता हूँ। बहुत कमाल की है ये, पाकिस्तान के माहौल पर लिखी है। चलें आ जाएं।
टीना सानी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज, बहुत ही कमाल की गजल आपने सुनी। मुझे यकीन है कि आपको अच्छी लगी होगी। आतिफ मसूद हैं आपके साथ और आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सएल 1296। प्रोग्राम में कॉल्स की तरफ जाने का टाइम आ चुका है, 9:30 हो चुके हैं और मुझे अब से लेकर के 10:30 तक आप लोगों की फ़ोन कॉल्स में ही इन्वॉल्व रहना है। तो 0121-753-1296 मेरा नंबर है। अगर आप इंग्लैंड के बाहर से फ़ोन करेंगे तो आपको डायल करना पड़ेगा 0044-121-753-1296। तो आपसे गुजारिश, और ये लोकल नंबर है, किसी किस्म के कोई इजाफी चार्जेस नहीं है, तो आपसे गुजारिश है कि आप फ़ोन कर सकते हैं और आ सकते हैं। तो सबसे पहले कॉलर हमारे पास लाइन पे कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इब्तिदा ही आपसे हो गई है तो अब देखें आगे, अब देखें क्या होता है ना। हाँ, नाम क्या आपका? जी मेरा नाम रुखसाना है। और आपका नाम क्या वैसे? मेरा नाम क्या करेंगे पूछ के, छोड़ें। मुझसे मेरा नाम ना पूछा करो। अच्छा, मैं तेरी जात का हिस्सा, मैं क्या? तेरी सोच में शामिल, मैं तेरी नींद का किस्सा। अच्छा, मैं तेरे ख्वाब का हासिल, मैं तेरी याद का महवर, मैं तेरी सांस का झोंका। वाह वाह, तू मंजर मैं पस मंजर, मैं लम्हा हूँ मैं जज्बा हूँ और जज्बे का कोई नाम नहीं। वाह वाह, तू मेरा नाम ना पूछा कर। वाह 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 वाह, क्या बात है, किसने लिखा है ये? जाहिर है मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने ही लिखा है, और किसने लिखा होगा जी? ऐसे फजूल शायरी कहाँ लिखा था ये? हवाई जहाज में बैठे हुए थे एयर होस्टेस। अच्छा, आप एक बात बताऊँ, मैं जितनी शायरी करता हूँ ना, 90% मैं जब ट्रैवल में होता हूँ उस वक्त करता हूँ, जब क्योंकि मैं सुकून में होता हूँ, मेरे पास इंटरनेट नहीं होता कभी कभी जब मैं प्लेन में होता हूँ, तो फिर मैं सिर्फ शायरी कर रहा होता हूँ, लिख रहा होता हूँ। अच्छा, तो नाम आपका है रुखसाना खान? जी जी। तो मैंने कहा मेरे पास अभी टाइम है, तो फिर मैं बाद में कुछ और काम करना था, तो अच्छा अच्छा चलिए, बड़ी मेहरबानी है आपकी यार, आप इतना टाइम निकाल लेती हैं हमारे लिए, तो बड़ा हमारे लिए तो बड़ा ऑनर की बात है। हाँ और क्या, मैं तो आपकी तनख्वाह लगाने वाला हूँ। बटरिंग, 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 नहीं बटरिंग नहीं, आपको तो तनख्वाह देनी चाहिए हम लोगों को ना, रेडियो को। मैंने अपनी मैनेजमेंट से बात की हुई है, रुखसाना की तनख्वाह तो कम से कम बढ़ा दें, बढ़ाए नहीं लेकिन जितनी है टाइम पे लपेटने में नंबर वन है वैसे आप। नहीं तो और क्या है यार, आप इतने रेगुलर, इतने रेगुलर तो हमारे प्रेजेंटर नहीं आते प्रोग्राम करने के लिए, जितनी रेगुलर आप आती हैं कॉल। अच्छा देखना, आप अगले हफ्ते नहीं आऊंगी यार, ये नाराजगी जो है ना आपकी, ये चले खैर अच्छी बात है, देख लेंगे। मेरे पास ना 2-3 है, लेकिन मैं 2 तो जरूर पढ़ूंगी। एक तो पढ़ देना, एक पढ़ दें सिर्फ, एक ये थोड़ी लंबी एक थोड़ी सी छोटी। अच्छा देखते हैं फिर मेरा मूड कैसा, अगर मेरा मूड हुआ तो पढ़ूंगी, नहीं तो नहीं पढ़ूंगी। ठीक है इरशाद। पेन खराब, यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, वाह वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो, वाह कोई हाथ भी ना मिलाएगा, कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो गले मिलोगे तो पाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। क्या बात है, बहुत आला। मुझे इश्तहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियाँ, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। क्या बात है, बहुत आला, शुक्रिया। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा, तुम्हें जिसने दिल से बुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। वाह 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 वाह, कभी हुस्न पर्दा नशीं भी हो जरा आशिकाना लिबास में, वाह मैं बन संवर के कहीं चलूं, मेरे साथ तुम भी चला करो। अरे वाह वाह, क्या बात है। नहीं बेहिजाब वो चांद सा के नजर का कोई असर न हो, उसे इतनी गर्मी है शौक से, बड़ी देर तक ना तका करो। अरे वाह क्या बात है, शुक्रिया। ये खिजा की जर्द सी शाल में जो उदास पेड़ के पास है, ये तुम्हारे घर की बहार है, उसे आंसू ऐसे हरा करो। वाह वाह क्या बात है, बस इतना, ये इतना ही था। अच्छा, और मैं एक और पढ़ूं, छोटा सा है ये, चलें कर लें, पढ़ लें जल्दी से, पढ़ लें, जब पढ़ूंगी तो पता लगेगा छोटा है ये। वैसे दो हैं लेकिन मैं एक पढ़ूंगी, कोई बात नहीं, मुझे पता है, मैं कहते हैं कि आपकी शराफत का नजायज फायदा नहीं उठाऊंगी, अगर आपने इजाजत दे दी तो। इरशाद। मेरी सोचें बदलती जा रही हैं कि ये चीजें बदलती जा रही हैं। अच्छा, तमाशा एक है रोज अजल से, आंखें बदलती जा रही है। वाँ वाँ वाँ। बदलते मौसम के आईने में तेरी यादें बदलती जा रही हैं। वाह शुक्रिया। दिलों से जोड़ती थी जो दिलों को, वो सब रस्में बदलती जा रही है। अरे वाह। अधूरी ना मुकम्मल ख्वाहिशें क्यों, नई शक्लें बदलती जा रही हैं। वाह। अगर मंजिल वही है राहियों की, तो क्यों राहें बदलती जा रही हैं। वाह वाह वाह। न जाने क्यों मुझे लगता है अमजद कि वो नजरें बदलती जा रही हैं। क्या बात है जी, बहुत आला भाई, बहुत आला।
बस ही, मैं एक छोड़ देती हूँ, अगर टाइम हुआ अगर देखूंगी लाइनें खाली हुई तो फिर मैं बाद में आ जाऊंगी। लाइनें हमको किसने फोन करना है, लाइनें खाली खाली होती हैं और क्या। तो अगर नहीं तो फिर मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि आपने इतनी इजाजत दे दी है बोधो पढ़ने की, तो बताए क्या शराफत का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए ना। कभी भी नहीं उठाया आपने शराफत का नाजायज नहीं ये बड़ी अच्छी थी छोटी सी, लेकिन पढ़ूंगी नहीं क्योंकि नहीं नहीं पढ़ती रहने देखो फिर बेइज्जती हो जाएगी। चले ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे साथ रुखसाना खान, और इन्होंने मेरी शराफत का नाजायज फायदा नहीं उठाया। वैसे खवातीन मेरी शराफत का नाजायज फायदा बहुत उठाती हैं, हूँ ही इतना शरीफ, क्या करूं, मेरे होश यूं ना जाते, मेरे होश यूं जो जाते तो कुछ और बात होती, वो नजर से मैं फैलाते तो कुछ और बात होती, हवाएं जलवागर बहारें खिले गुल चमन में, लेकिन वो जो आके मुस्कुराते तो कुछ और बात होती, मेरा अंजुमन में जाना कोई और रंग लाता, मुझे आप खुद बुलाते तो कुछ और बात होती, उन्हें क्या ये बात सूझी मुझे किस लिए मिटाया, गमे आरजू मिटाते तो कुछ और बात होती, दमे निजा के लिए पहुंचा है पयाम उनका कासिद, वो जो आप चल के आते तो कुछ और बात होती, कई बार हाथ मुझसे वो मिला चुके हैं, लेकिन जो नसीर दिल मिलाते तो कुछ और बात होती, हाय हाय, कई बार हाथ मुझसे वो मिला चुके हैं, लेकिन जो नसीर दिल मिलाते तो कुछ और बात होती, मेरे होश यूं जो जाते तो कुछ और बात होती, वो नजर से मैं पिलाते तो कुछ और बात होती। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर का ये कलाम है। खाक मुझ में कमाल रखा है, ऐ खुदा तूने संभाल रखा है। हेलो, कॉल कर सकते हैं आप, वैसे क्या बात है आज 01217531296। मेरी जो लाइंस हैं वो बिल्कुल खाली हैं। काशिफ अमान मलिक साहब, क्या हाल चाल हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम। कॉल की तरफ बढ़ते हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आतिफ भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी। कौन बोल रहे हैं? जी राजा इश्तियाक बात कर रहा हूँ डडली से। राजा इश्तियाक डडली से जी, कैसे हैं? फर्स्ट टाइम आपको कॉल कर रहा हूँ जी। अरे वाह वाह, क्या बात है जनाब राजा साहब, और कैसे हैं? अभी वापस काम पे था तो आपको अक्सर सुनता रहता हूँ, बस मसरूफियत की वजह से नहीं कर पाया, लेकिन अभी थोड़ा बैठा ही तो सोचा आपको कॉल कर लूँ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपका ज्यादा वक्त नहीं होगा, आपको सुनाते हैं एक गजल जी। इरशाद इरशाद इरशाद। अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको, हाय हाय तेरा मुजरिम हूँ। अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको, मैं हूँ तेरा तू नसीब अपना बना ले मुझको। क्या बात है जी, बहुत आला। मुझसे तू पूछने आया है वफा के मानी, मुझसे तू पूछने आया है वफा के मानी। अच्छा, तेरी ये सादा दिली बार न, इसमें सवाल है, मुझसे तू पूछने आया है वफा के मानी, इसमें सवाल है। मुझसे तू पूछने आया है तू वफा के मानी, बिल्कुल तेरी ये सादा दिली मार न डाले मुझको। अरे वाह क्या बात है। खुद को मैं बांट न डालूं कहीं दामन दामन, खुद को मैं बांट न डालूं कहीं दामन दामन, कर दिया तूने अगर मेरे हवाले मुझको। वाह 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 वाह। तो आखिर में कहते हैं कि कतीर शफाई साहब की गजल है, कहते हैं कि वादा तो वादा फिर वादा है, मैं जहर भी पी जाऊं कतील। वाह। बादा फिर बादा है, मैं जहर भी पी जाऊं कतील। वाह। शर्त ये है कि कोई बाहों में संभाले मुझको। हाय 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 हाय, क्या बात है कतील भाई की, क्या बात है, बहुत। और छोटी सी और अगर हम मायना करें जी, जी, इरशाद इरशाद। तो एक हमारे जिस इलाके में हम रहते हैं, हमारे एक पोठवार के शायर है, उनकी लिखी हुई एक नज़म है, थोड़े से अल्फाज सुनाता हूँ जी। जी इरशाद इरशाद। वो कहते हैं कि वह हरी किस्मत के लम्हे खुबान थे वो, वह हरी किस्मत के लम्हे खुबान थे वो, कैसे लिखूं के कैसे जनान थे वो। अरे वाह, बहुत आला भाई।
گویا بلبل انگاروں سے کھیلتی تھی مست مست بہاروں سے کھیلتی تھی بہت اعلیٰ ان بہاروں کا روٹھ کر چلے جانا ان پیاروں کا روٹھ کر چلے جانا یہ تھی بیتے ایام کی تلخ یادیں کیا بات ہے جی بہت اعلیٰ تو کہتا ہے کہ پہلے روٹھنا بعد میں مان جانا پہلے روٹھنا بعد میں مان جانا ان کا دل کی بات کو جان جانا واہ یہ سب کس سے کلندر جوانیوں کے دور ماضی کی فرقت کی کہانیوں کے ارے واہ ان سہاروں کا روٹھ کر چلے جانا ان پیاروں کا روٹھ کر چلے جانا یہ تھی بیتے ایام کی تلخ یادیں کیا بات ہے بس ختم ہوگی یہ بس چلیں راجہ اشتیاق صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے جاتے جاتے آپ کو ایک شعر سناتا جاتا ہوں کہتا ہے وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے ہائے 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 وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے خدا کسی کسی کو یہ کمال دیتا ہے کیا بات ہے واہ بہت اعلیٰ بھائی بہت شکریہ آتیف بھائی بہت اعلیٰ بہت شکریہ انشاءاللہ میں آپ کا انشاءاللہ ریگولر کالر رہوں گا اچھا اچھا میں نے کہا کہنے والے ہیں کہ میں اب آپ کی دعوت کروں گا نا دعوت آتیف بھائی اب ویلکم جب جائیں میں جب چاہیں میں حاضر جناب ٹھیک ہے 11 بجے آ جائیں پھر یہاں پہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے انشاءاللہ میں ملاقات بھی کروں گا آپ سے اوکے اللہ حافظ یہ تھے ہمارے ساتھ راجہ اشتیاق پہلی دفعہ کال کیا ڈڈلی سے آپ کون ہیں ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام میں پاکستان سے ہوں دلی سے نہیں ہوں پاکستان سے کون بول رہے ہیں پہچان لیں پہچان لیا نا اتنے غیر حاضر ہوں گے تو پھر تو بھول جاتا ہے نا بندہ صرف چار ہفتے آپ منظر سے ایک منٹ کے لیے غائب ہو تو آپ کو لوگ دوبارہ یاد ہی نہیں رکھتے اللہ کا بڑا شکر ہے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے نا میں بھی اگر کبھی پروگرام نہیں کر رہا ہوتا ہوں کچھ تو میں الٹی سیدھی ویڈیو ڈال دیتا ہوں اپنے گروپس میں نا تاکہ کم از کم لوگوں کو شکل یاد رہے کہ بھائی میں ہوں ابھی زندہ ہوں میں آپ کی ویڈیوز تو سٹیٹس تو بھی کافی زیادہ آ رہی ہوتی ہیں ہاں وہ تو الٹی سیدھی ہیں ساری لیکن آ رہی ہوتی ہیں نہیں نہیں پل پل کی خبر ہوتی ہے ہمیں آصف بھائی آج یہ کر رہے ہیں آج یہ کر رہے ہیں ہاں یہ تو ہے ویسے اچھا ڈاکٹر ظہور احمد سائم جی سر کیا سنائیں گے آج آپ میں سر ویسے آج تو اپنا حال احوال بتانے آیا تھا اچھا اب آپ ٹھیک ہیں ہاں اللہ کا شکر ہے بڑے ماڑے حالات ہیں پاکستان کے اچھا چلیں اللہ خیر کرے آج پاکستان کے ماڑے حالات پر ایک بہت کمال کی غزل ہے میرے پاس وہ آپ کو سناؤں گا مزہ آئے گا انشاءاللہ ابھی تک میرے چوروں کا کچھ پتہ نہیں چلا ارے انشاءاللہ پتہ چل جائے گا ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے چلیں کچھ سنا دوں آپ کو ہاں آپ کو میں پوچھ رہا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سنانے نہیں آیا میں کہتا ہوں آپ سنا ہی دیتا ہوں کال تو کر ہی لی ہے جی انشاءاللہ یہ کیسی ہے عجب دیکھ میرے یار زندگی واہ ہاتھ آتی نہیں کسی کے طرح دار زندگی ارے واہ کیا بات ہے غیروں سے وفاداریوں کے وعدے خوب ہوئے واہ مگر ہوئی نہ کبھی خود سے وفادار زندگی کیا بات ہے جو شاہوں کا شہنشاہ تھا اب ہے پھر رہا گلیوں میں واہ جو شاہوں کا شہنشاہ تھا اب ہے پھر رہا گلیوں میں واہ پہلے کبھی ہوئی نہ تھی یوں لاچار زندگی ارے واہ کیا بات ہے ہر شخص نے دل و جان سے لوٹا مجھے خوب ہائے ہائے ہر شخص نے دل و جان سے لوٹا مجھے خوب کیوں کہتے ہو میں نے گزاری بیکار زندگی واہ شکریہ کھا کر ٹھوکریں در بدر کی بے شمار واہ ہو گئی اب عشق سے بیدار زندگی ارے واہ 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 بہت اعلیٰ آخری شعر اس غزل کا ایک بے وفا کے لیے کر دی نیلام ایک بے وفا کے لیے کر دی نیلام سرعام واہ اب سائم تم سے بہت ہے شرمسار زندگی واہ کیا بات ہے بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ بھائی بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ یہ سر چھوٹی سی کال صاحب بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ اوکے اللہ حافظ یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظہور لاہور سے یہاں پر لائن پہ کون ہے ہیلو
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं फरानाज राजा बात कर रही हूँ। फरानाज राजा कहाँ से बोल रही हूँ? मैं कनाडा से बात कर रही हूँ। अच्छा माशाल्लाह, फरानाज राजा पहली दफा मेरा ख्याल कॉल किया। जी मैंने पहली दफा कॉल किया, एक्चुअली मेरी दोस्त हैं शमीला शाद, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। अच्छा 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 अच्छा। जी उन्होंने मुझे रेकमेंड किया आपका पेज और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको कॉल करूं और कुछ सुनाऊं आपको। अच्छा आप भी शायरा हैं? हाँ छोटी मोटी टूटी फूटी फेसबुक की शायरा। छोटी पहली खातून है जो कह रही है मोटी भी हूँ मैं। बिल्कुल खवातीन आमतौर पे खवातीन कहती नहीं है कि मैं मोटी हूँ। नहीं नहीं खवातीन ही तो मोटी होती है शादी नहीं, के बाद होती तो है, कहती नहीं है ना, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं नहीं मैं कहती हूँ, मैं मानती हूँ। फिर ठीक है, फिर ठीक है। तो चले कुछ सुनाओ। जी इरशाद इरशाद। वैसे मुझे पहले मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम, मैंने पहली दफा देखा है। अरे वाह, बहुत शुक्रिया जी आपका शुमाला। नहीं फरा, बहुत शुक्रिया। फरा मेरा अपना पेज भी है फरानाज के नाम से। अच्छा मैं जरूर देखूंगा आपकी शायरी उसमें। और मैं टीवी आर्टिस्ट हूँ यहाँ कनाडा में। अच्छा माशाल्लाह। और प्रोग्राम होस्ट करती रही हूँ, अभी अच्छा। सीजन खत्म हुआ है प्रोग्राम का। अच्छा 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 ठीक है। जी जी जोड़ तोड़ नाम से मेरा प्रोग्राम आता था। अच्छा 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 माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चलें बड़ी हमारे लिए फख्र की बात है जी। आपने माशरे पे थोड़ा बहुत कुछ लिखती हूँ, कुछ नजर आता है, कुछ फॉल्ट नजर आते हैं तो लिखती रहती हूँ। अच्छी बात। और पाकिस्तान में भी एक दो टीवी प्रोग्राम कर चुकी हूँ मैं, नेशनल टीवी पे। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। कश्मीर पे। वेरी गुड। तो क्या सुना रही हैं? एक गजल है वो सुनाऊंगी। जी इरशाद। गम मुकद्दर से मिला तेरी खता कुछ भी नहीं। हाय हाय। मुझको तुझसे तो मेरे यार गिला कुछ भी। अरे वाह 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 क्या बात है। रखा उल्फत में अजियत के सिवा कुछ भी नहीं। हाँ हाँ। जिंदगी बीत गई पर मैंने बसर किया कुछ भी। अरे वाह 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 क्या बात है फरा वाह। बीज मोहब्बत के ही तो बोए थे जमीन दिल पर, पर खारे वहशत के सिवा यार मेरे उगा कुछ भी नहीं। क्या बात है जी बहुत आला। सोचे जख्म जिगर तुझसे बयां करूं कैसे। वाह। लब हिलाने को हिलाती तो हूँ पर सदा कुछ भी नहीं। वाह 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 बहुत आला। ये जो रूह पे एक अजार है मेरी ये भी तो है अनायत तेरी। वाह। ये जो रूह पे एक अजार है मेरी ये भी तो है अनायत तेरी। वाह। कह दूं कैसे कि मुझे तूने दिया कुछ भी नहीं। वाह क्या बात है जी बहुत आला। जिस मोहब्बत को इबादत के सिवा भी जाना था हमने। वाह। अब ये एक बेमोल से जज्बे के सिवा कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह। जिसकी हर बात को सर आंखों पे रखा था हमने। वाह। उसके नजदीक मगर मेरी वफा कुछ भी नहीं। बहुत ही आला बहुत ही। लोग तो बिक जाते हैं चंद सिक्कों की खातिर यहाँ। तेरे दामन में तो फरा बेमोल वफाओं के सिवा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं वाह क्या बात है फरा बहुत शुक्रिया जी बहुत आला बड़ा अच्छा लगा और बहुत जबरदस्त शायरी की आपने जी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आपके प्रोग्राम देखती रहूं, थोड़ी बिजी होती हूं लेकिन असल में मुझे टाइम नहीं पता था। मुझे शमीला ने आज मैंने उसको कहा था कि मुझे प्लीज टाइम सेंड कर देना जब वीडियो स्टार्ट होगी उनकी, तो फिर मैं इंशाल्लाह जरूर देखूंगी। चलें शमीला का भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहे शाद रहे आबाद रहे आमीन और ढेरों दुआएं आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी अल्लाह हाफिज़। यदि हमारे साथ फरानाज राजा कनाडा से, आपका बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सएल 1296। मुझे कहते हैं आतिफ मसूद और आपके लिए एक बहुत ही छोटा सा कमर्शियल है मेरे पास, के बाद में फिर मिलता हूँ। मेरा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। लगाओ लगाओ मेरी दौलत को आग, इतना कीमती किचन। जी तो सलीम मुर्शिद वाह 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 यार बहुत सलीम मुर्शिद बहुत आला बहुत अच्छा पढ़ा आपने। ओके You can do people. 257 Highgate Road, Birmingham. 01217730440. T's and C's apply. MadeiraKitchens.com. The Tile Choice Black Friday sale is now on. Reduced low prices and save the cost of your property. Nadeem. That's a saving across every single tile in every one of our stores. Phone to kar lo. Aaj kya ho gaya? Aaj meri lines kyun faar gaye? That's value. That's Tile Choice. Visit TileChoice.co.uk. रेडियो एक्सएल टाइम चेक 9:48 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सएल 1296। मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। इस प्रोग्राम को अगर आप लाइव देखना चाहते हो तो फेसबुक पे देख सकते हैं। मेरा पेज है आतिफ मसूद रेडियो एक्सएल। जो आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है वो दिखने में कैसी है वो भी आप देख सकते हैं। आज तो मैंने बाल भी स्ट्रेटनर से सीधे किए होंगे, देख लें बहुत सही लग रहे हैं आज। समझे काफी आला प्रोग्राम है। हाँ ना आज मैंने वो नहीं होता वो जो अबे स्ट्रेटनर नहीं होता यार वो
वो जिससे गर्म हवा निकलती है, ड्रायर, हाँ ड्रायर से, वो ना ग्लूम ऐसे हो जाते हैं, पता नहीं कैसे हो जाते हैं वो। तो वो मैंने अभी परसों तरसों नाई से बाल कटाया ना, उसने गर्म सी हवा लगाई और बड़े जबरदस्त हो गए बाल हो रहे। मैंने कहा यार ये तो आसान है यार। तो फिर ना फिर मैंने वो वाइफ का स्टेटमेंट वो निकाला गर्म वाला, और उससे वो ये अब हम तो पहली दफा कर रहे हैं, हमको तो वो करो इधर तो वो हो उधर कुछ ऐसे उल्टा सीधा हो जाता है कुछ, लेकिन फिर भी काफी अच्छे लग रहे हैं थोड़े से ना, मतलब कवर हो रहा है थोड़ा सा, बाल वाल तो रहे नहीं। बहुत नाइस प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल मिनहास शामी यार। वैसे ये प्रोग्राम शायरी का है और मैं आपको बता रहा हूँ अपने बाल सीधे करने के टोटके। ये बहुत प्यारा गाना है। If I pay extra fee, would you do it? Out with friends and family? No. Background song सुनने वाला अलग लगता है। सुन ले। गानों को छोड़े बातें करें ना यार, वो क्या हो गया ये इसको, मेरे पास तो बिल्कुल बोर कर दिया आज की। मैंने एपिसोड देखा वो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा उस्ताद। हाँ मजा वहीं तक था बस, वो जो आखिरी दो टके की औरत वाले वहां तक मजा था, उसके बाद अभी तक मजा नहीं है। आगे अब मजा मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसे होने वाला है। प्रिडिक्शन है मेरी, प्रिडिक्शन ही कहूंगा क्योंकि स्टोरी तो मुझे पता है क्या होने वाला है, लेकिन मैं प्रिडिक्शन कहूंगा क्योंकि अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। सो इफ यू डोंट सेंड मी द बर्ड, अयाज वालेकुम अस्सलाम। आपने तो लिफ्ट नहीं कराते आप तो, उस दिन वाली तो गजल आपने सुनी नहीं अपनी, कौन सी थी वो? फिर आप बोलते हैं कि आपकी मैंने शायरी शामिल नहीं की प्रोग्राम में। एम इमरान नासिर अब्बास थैंक्स। तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। हा 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 हा, क्या गजल है ये, क्या गजल है ये। कॉल की तरफ बढ़ते हैं। हेलो सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आतिफ भाई क्या हाल है? मैं ठीक हूँ जी, कौन बोल रहे हैं आप? जी हमजा रसूल बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। हमजा कैसे मिजाज हैं जी? अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप सुनाएं। जी जी आप सुनाएं। जी अल्लाह का एहसान है जी। क्या सुना रहे हैं आप जी? मैंने तो सिर्फ आपको सुनना है जी। मुझे सुनना है? हाँ जी, वो आपको सुनते हैं तो वो मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था। किस बात का? जिस तरह आप नए लोगों की हौसला अफजाई करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए। अच्छा हाँ जी, चलें हमजा रसूल, मैंने आपकी भी शायरी पढ़ी हुई है शायद। हाँ जी आपने वो मैंने गजल भेजी थी, जिंदगी में पहली दफा भेजी है जी। और मैंने पहली दफा पढ़ दी। आपने पहली दफा पढ़ दी, ये तो बड़ा गलत हो गया वैसे आपके साथ। नहीं नहीं, वो मैं ना जी तकरीबन पोएट्री तो लिख रहा हूँ तकरीबन 10-12 सालों से। अच्छा अच्छा। हाँ जी, लेकिन वो मैंने बस अपने आप से वादा किया हुआ था कि यहाँ से थोड़ा सा गलत रिवाज चल रहा है कि लोग बस अपनी पब्लिसिटी के लिए म्यार और अदब वगैरह लिख ही नहीं रहे। अच्छा। तो मैंने ये अपने से तैयार किया हुआ था।
कि जब तक मेरी वो क्या कहते हैं कि एज ओवर देन 30 तब मैं लोगों के सामने आऊंगा। अच्छा अच्छा नहीं तो हाँ जी सही सही क्वालिटी में आप लिखें तो फिर ही है। बिल्कुल सही बात है। नहीं नहीं आप देखें स्टार्ट में तो आप एकदम से जब आप स्टार्ट करें और क्वालिटी लिखना शुरू कर दें ऐसा तो नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता आप में यही बात है। मैं लिख रहा हूँ 2006 से माशाल्लाह। हाँ जी 2005-06 से तो अब मैंने इरादा किया है। तो आपकी किताब कब आ रही है दस्त शब? इंशाल्लाह किताब जब आप बैक फ्लैप के पे आपके तासरात आप मुझे लिख के देंगे उफ़ल्ला। तब उफ़ल्ला। आपने मेरी हौसला अफजाई की है तो आप मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई जरूर तो, हैं लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपको तारुफ नहीं नहीं ये मैं बाकी मैंने सारा कुछ सोच लिया हुआ है। अच्छा अच्छा लेकिन अब बैक फ्लैप पे आतिफ मसूद के ही तासरात होंगे। अच्छा चले 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 बहुत बहुत शुक्रिया हमजा रसूल। ओके बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे साथ लाहौर से हमजा रसूल। तेरे वास्ते आजाद नहीं हूँ मैं, पारसा हूँ गुनाहगार नहीं हूँ मैं, भूल हुई मोहब्बत की अनजान ना जाने कैसे, वरना कोई खताकार नहीं हूँ मैं। इनकी ये गजल मैं अपने प्रोग्राम में शामिल कर चुका हूँ। शहजाद कैस। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहजाद कैस बाप रोने लगा और इस किस्म की बहुत ही मशहूर कलाम उनके लिखे हुए। ये मेरी खुशनसीबी कि शहजाद कैस जैसे बड़े आला के पाए के शायर भी हमें देख रहे हैं। शहजाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस रात की तन्हाई में वक्त निकाला और मेरे साथ हैं। हेलो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी आतिफ भाई, बी ए नदीम बात कर रहा हूँ। जनाब आला नदीम सर क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। आपके पास टोटल 4 मिनट हैं। जनाब मैं 4 मिनट नहीं सिर्फ 2 मिनट लूंगा। अच्छा इरशाद 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 वेरी गुड। एक नज़्म है छोटी सी वो सुन लें और जी जी इरशाद इरशाद जी। मैं तुझ पे ऐसी गजल लिखूंगा कि दाद देगा जमाना मुझको, वो काफी है वो रदीफ सुर के मिसाले नीलम जमुर्द लेके, अरे वाह मैं इसमें बरवा हमीर धानी, कहीं पे एमन कहीं पे सूहा, मैं खूबसूरत करूंगा बंदिश तो धुन के लहजे बदल पड़ेंगे। हसीन सावन की रात होगी वो जिसमें ढोलक की थाप होगी, वो घुंघरुओं की छनक छनक में, किसी की पायल की छन छनाहट, किसी के लहजे की कसमसाहट, किसी के होंठों की मुस्कुराहट, किसी के चेहरे की तप तपाहट, सभी जबानों पे जिक्र होगा मेरी गजल में, ये लोग तुझको तलाश लेंगे कि कौन तू है, ये गुनगुना के मोहब्बतों में मेरी गजल को पढ़ेंगे, तेरी नजर से गजल जो गुजरे तो गुनगुना कर जरा बताना, है मातरे कह रवे के पूरे, कहीं पे दिन है कहीं पे ता है, कहीं पे तिटकिट के बोल पूरे, फिर उसको दुर्पत का रंग देकर कि इसमें अस्थाई अंतरे का ख्याल तुमसे लिया है मैंने, वाह वाह वाह, कभी मिलो तो मुझे बताना कि तेरे शायर ने क्या लिखा है, वाह वाह वाह, कभी मिलो तो मुझे बताना कि तेरे शायर ने क्या लिखा है। क्या बात है क्या बात है। बी नदीम महफिल आज कुछ चांदिस के अंदर ऐसे अल्फाज नए आए हैं जो आप प्रोग्राम के बाद जरा सोचिएगा। मात्रे बहुत अच्छा लफ्ज है मात्रे, ठीक है। वैसे तो वो ज्यादातर मात्रे गायकी में यूज होते हैं लेकिन बिल्कुल ये गायकी के ही है कुछ ऐसे, और मात्रा ये होता है कि जब ताली दो ऊपर तालियां बजती हैं दो नीचे वो एक जो होती है उसके अंदर, वो जब चार तालियां मुकम्मल होती है तो एक मात्रा बनता है। बिल्कुल इस तरह एक ऐसा एक ख्याल आया तो आज मैंने इसको लिख दिया। मैंने कहा ये बड़े मजे के कुछ अल्फाज नए नए थे। बहुत आला बहुत आला सर, हाजिरी भी हमारी हो गई। बहुत मेहरबानी सर आपकी और बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। ये थे हमारे साथ बी ए नदीम। अब मैं कॉल्स को रोकूंगा यहाँ पर, थोड़ा सा एक छोटा सा कमर्शियल लेता हूँ पहले। शहजाद कैस साहब, सर अगर आपके पास मेरा नंबर है, मेरे से आपका नंबर मिस हो गया, अगर आपके पास मेरा नंबर होना तो चाहिए वैसे, अगर है तो मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा और अगर नहीं है तो मुझे मेरे फेसबुक पे मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं आपसे रابطے में रहूं।
کافی عرصہ ہو گیا آپ کی طرف سے کچھ ملا نہیں اور میں پڑھ بھی نہیں سکا ہوں. ناصر حسین سلام, ماشاءاللہ آپ کا پروگرام ہمیشہ کی طرح بہت اچھا ہے. شہزاد بھائی سے پچھلے 3 سال پہلے لاہور گیا تھا میں جب تو ملاقات ہوئی تھی, ہم کسی میکڈونلڈ میں ملے تھے, وہاں ان سے میں نے ان کی ویڈیو بنائی تھی, میرے ساتھ فوٹو بھی ہے. مطلب یہ بہت کم لوگوں میں جن کے ساتھ میں نے یار ایسا ایک فوٹو لے لوں, بہت کمال کا لکھتے ہیں یار. ہاں تو یہ تھا مسئلہ. واہ بہت خوب لکھا ہے. عظیم محمد نائس سعودی عرب سے, محمد اعظم وعلیکم السلام, آپ کا بہت بہت فرینڈ ہے دوحہ قطر, بہت بڑا فرینڈ ہے دوحہ قطر محمد اعظم, بہت بہت شکریہ آپ کا سر. قطر دوحہ میں ابھی گیا تو تھا, کب گئے تھے ہم, آج 30 ہے نا, پچھلی 20 تاریخ کو میں دوحہ میں تھا لاسٹ منتھ, ہاں ایک دن کے لیے تھا, کنیکٹنگ فلائٹ تھی تو ہم تھوڑا سا گھوم لیے باہر. خبریں سن رہے ہیں میسج کر دیا کرے, کال بھی کر دیا کرے. ہاں آج میرے پاس اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے, باہر سے جا ملا میرے اندر کا انتشار. وسیم حق نواز راجپوت دبئی کا کوئی پلان, جس دن ٹکٹ بھیجیں گے 5 تاریخ کو ٹکٹ بھیجنے میں آ جاؤں گا, 5 سے 10 کے درمیان. بولے ہم ہی تھے خوش نصیب کچھ, نظر نگار یار تھے, ورنہ تو اس مقام کے اور بھی دعوے دار تھے. کاسا بدست ہم نہ تھے اس کی گلی کے موڑ پر, کنگن تھے اس کلائی کا, اس کے گلے کا ہار تھے. بس تم ہی ایک نگاہ میں دل کو ہمارے بھا گئے, لوگوں کی بات کیا کریں, لوگ تو بے شمار تھے. بس یہ نصیب میں نہ تھا پہلو بہ پہلو ہم رہیں, پابا رسن تھے ہم بھی کچھ اس کے بھی دکھ ہزار تھے. کتنوں سے دوستی میں ہم یوں بھی پرے پرے رہے, چہروں پہ خد و خال نہ تھے اندر کے اشتہار تھے. کل صبح اٹھے تو کچھ نہ تھا جبکہ ہمارے خواب میں جھیلیں تھیں اور کمل بہت, جھولے تھے آبشار تھے. غور کیا تو یہ کھلا ہم پر ایاز باد میں, کیسے تھے سنگ دل یہ لوگ, کیسے عجیب یار تھے. ایاز ریڈی ایکسل سے موسم کی صورتحال, موسم ملا جلا سا رہے گا, ہلکی ہلکی سی ہوائیں چلیں گی اور بادل ہوں گے اور کافی زیادہ سردی ہے. 0 ٹیمپریچر سے لے کر کے 6 سینٹی گریڈ تک کا آج موسم رہنے والا ہے. ریڈیو ایکسل میں ایک دفعہ پھر سے میں آپ کو کہوں گا خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں عاطف مسعود, 10:03 پروگرام کا یہ دوسرا اور آخری گھنٹہ ہے. 11 بجے تک میرا اور آپ کا ساتھ بزم سخن میں میرا اور آپ کا ہمیشہ ساتھ رہتا ہے, ہر سیٹرڈے کی رات کو 9 سے لے کے 11 بجے تک. ابھی میرے پاس ایک عدد اور غزل نما ایک گانا ہے یا غزل ہے یا کیا کہہ سکتے ہیں اس کو, جو بھی کہہ سکتے ہیں وہ سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کی فون کالز کی طرف بڑھیں گے. نمبر آپ جانتے ہیں, فوراً اس میوزک کے فوراً بعد آپ کی فون کالز پروگرام میں شامل ہوں گی.
01217531296 ये मेरा नंबर है और लोकल है, कोई इजाफी तो फोन कर सकते हैं। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, देखने से काम नहीं चलेगा बाबा, ये आपके लिए। हेलो, आप ही के लिए भाई, आपसे कह रहा हूँ। हाँ जी, चुकी पार हाय, बड़ी हाय निकल रही है, छोड़े यार। मोती है दमार के जगह सोनी एक पुल, मोती है दमार के जगह सोनी। बाजार विकांदियां छुरियां, बाजार विकांदियां छुरियां, इश्के दियां चोटां बुरियां, इक पुल मोती है दमार के जगह सोनी, इक पुल मोती है दमार के जगह सोनी। तुम बुलाओ तो लौट आऊंगा, मुस्कुराओ तो लौट आऊंगा, चांद पलकों पे ख्वाब लम्हों का, घर उगाओ तो लौट आऊंगा, मेरे अल्फाज अपने होठों से गुनगुनाओ तो लौट आऊंगा, ख्वाब के बेचराग सब जुगनू, ख्वाब के बेचराग सब जुगनू, तुम जलाओ तो लौट आऊंगा, मुझसे आयाज उम्र भर बंधन, तुम निभाओ तो लौट आऊंगा, मैं कुंभे पर दिलदार सजन, आयाज महमूद आयाज, पसंद तेरी चाल, पसंद तेरे होंठ, पसंद मुखसार, पसंद तेरे मुंह दी हिक हिक गाल, पसंद जी हाँ, अल्लाह मेरा जानदा है, तेरी अखी दा मुल कोई ना, एक फुल मोती ए दा मार के जगह सोनी। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 12-6, आतिफ मसूद आपके साथ साथ। कॉल, हेलो, अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप आतिफ भाई? लाइटें बंद कर दी जाएं, आयाज सायरा आजम की कॉल की वजह से जो घर और स्टूडियो के अंदर एक जो नूर पैदा हो गया है ना, और मेरे चेहरे पे जो एक खुशी और एक ताजगी पैदा हो गई है। ये तो आपकी जरा नवाजी आतिफ भाई। हाँ, आप इतने दिन कहाँ रहती हैं वैसे? जी बस आतिफ भाई, बताया ना कि मसरूफियत इतनी ज्यादा थी। मसरूफियत तो हमारी भी होती है, हम भी तो आ जाते हैं। हाँ जी, लेकिन आपके तो ये जॉब है ना? नहीं, मेरी तो जॉब है, लेकिन आपको लोग इतना मिस करते हैं। चले मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। मेरे से फोन कर करके पूछते हैं कितने सायरा आजम। चले ठीक है, तो आज फिर मैं आ गई। अब जाइएगा नहीं लेके? नहीं नहीं, इंशाल्लाह पक्की बात है। हाँ जी, पक्की बात है, इंशाल्लाह पाबंदी रेगुलर आया करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, कोई आए ना आए। हाँ जी, कोई आए ना आए, तो आज मैं आपको, क्योंकि मैंने अपना जो कोटा पूरा करना है, दो गजलें सुनाऊंगी। इतना बड़ा जुल्म? हाँ जी, मैंने कहा आप आया करें, मैंने ये नहीं बोला बिजनेस में आया करें। हाँ जी, चले ठीक है, तो ये आते ही हम अपनी शेरो शायरी लेके आते हैं, ये है ही शेरो शायरी का प्रोग्राम। अच्छा? तो हाँ जी, पक्की तो बात है? पक्की बात है। मतलब तो, आपने, आपसे किसने कहा है कि ये शेरो शायरी का प्रोग्राम है? हाँ जी, शेरो शायरी हम काफी अच्छे से सुनते चले आ रहे हैं, तो ये कोई तंजो मजाक का नहीं प्रोग्राम, ये तो हम तो तंजो मजाक करते हैं। आपको लगता है कि मैं तंजो मजाक करता हूँ? नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये है ही, हम अदबी लिहाज से ये आपका मियारी शेरो शायरी का प्रोग्राम है। बिल्कुल, ये तो है।
हम तो बिल्कुल इसमें कोई ऐसी वैसी बात करते ही नहीं है कि जो अदब से हटके हो बिल्कुल। जी 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 हाँ जी, तो आपसे भी बड़ी बड़ी संजीदा गुफ्तगू होती है क्योंकि आप तो माशाल्लाह अदब से वैसे ही आपका बड़ा लगाव है और आपके जो अल्फाज का चुनाव होता है वो भी अदब के बहुत ही करीब होता है। जी हम अदब को जो मलहूज़े खातिर हाँ मलहूज़े खातिर का रखते हैं बिल्कुल रखते हैं। आप तो जब ये मलहूज़े खातिर आप रखते हैं अदब को तो उसके बाद फिर ये ठंडा वंडा तो नहीं हो जाता? नहीं 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 वो ऐसे ही कायम रहता है बिल्कुल। तो खातिर किधर रखते हैं आप, फ्रिज में कहीं? नहीं नहीं मलहूज़े खातिर मतलब के देखें आप इस सोसाइटी में रहते हैं आतिफ भाई, हाँ, सोसाइटी तो ये मलहूज़े खातिर अदाब रख रखाव ये होता है कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है। बिल्कुल बिल्कुल कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं क्योंकि जैसे आपकी बातचीत होगी उसी तरह ही लोग आपको सराहेंगे, ठीक है ना? बात तो है, जैसे डिपेंड करता है आपकी जो है ना जो भी आप बातचीत है आपका जी, 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 जो अंदाजे बयान है अंदाजे बयान अंदाजे गुफ्तगू जो है अंदाजे गुफ्तगू और अंदाजे बयान तो शेरो शायरी के हवाले से मैं कह रही हूँ ना। अच्छा अच्छा शेरो शायरी के हवाले से जी जी। तो अंदाजे गुफ्तगू जो वो तो हर बात की बात है लेकिन जो अंदाजे बयान है इसी की वजह से इंसान की पहचान और शिनाख्त होती है। अच्छा तो जो जिनके पास अंदाजे बयान नहीं होता उनकी शनाख्त नहीं होती क्या? अंदाजे बयान शेर व शायरी के हवाले से कह रही। अच्छा शेर व शायरी के हवाले वैसे नॉर्मली आपकी गुफ्तगू में हमेशा रख रखाव होना चाहिए। होना चाहिए बिल्कुल। इंसान की गुफ्तगू जो है नहायत शाइस्ता होनी चाहिए। शाइस्ता होनी चाहिए जी जी शाइस्ता। ये तो शाइस्तगी ना हो ना जुबान में हाँ तो फिर आप लोगों को आप गर्विदा नहीं कर सकते अपने। हाँ अगर शाइस्तगी ना हो तो गर्विदा नहीं कर सकते। हाँ जी हाँ 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 कितनी गहरी बात कर दी आपने। तो मैंने अगर अगर लोग मेरे गर्वीदे हैं इसका मतलब मेरी जबान में शाइस्तगी है? जी जी बिल्कुल है। हाँ जी पोलाइटनेस जी वाकई शाइस्तगी जैसे आप जब आप किसी से पहली दफा मिलते हैं हाँ, हाँ, तो किसी मैं अब तो छोड़ दिया मैंने मिलना अब नहीं मिलता मैं पहले नहीं मिलता। मेरे मैं जो बात कर रही हूँ यानी इस माशरे की जब आप पहली दफा अगर अच्छा, आपने अच्छा, किसी पर आपका पढ़ता किसी पर अच्छा इम्प्रेशन है तो आपकी गुफ्तगू ही की वजह से पड़ता है। अच्छा 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 इम्प्रेशन आप तभी दे सकते हैं किसी को। अच्छा अच्छा गुफ्तगू की वजह से अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। जी जी हाँ जी हाँ, हाँ जी इसी की वजह से इंसान की जो है ना पहचान होती है। पहचान भी होती है कि आपका उसी तरह आपका किरदार जो है वो आपका किरदार नुमाया होता है। किरदार नुमाया होता है। अच्छा जी चलिए अब काफी लंबी बात हो गई है लेकिन कितनी गहरी बातें हो रही हैं इससे तो लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। शायरी तो ऊपर से गुजर जाती है आपकी ये बातें भी गुजर रही हैं ऊपर से लेकिन मजा आ रहा है। चले ठीक है हाँ क्योंकि तो, आप इतनी गहरी बातें कहाँ से कर लेती हैं? मुझे तो लगता है आप किसी जमाने में कुआं खोदती होंगी। कुआं आते भाई कुओं से नहीं ये बातें मिलती फिर? ये बातें हासिल होती हैं इंसान की जो कहते हैं ना कि शुरू से अच्छी तरबियत पड़ी अच्छा, हो अच्छा, अच्छा, अच्छा माहौल हो हाँ, हाँ, तो हाँ, इसी वजह से इंसान की जो करदार हाँ, की बनावट होती है। तो लगता है कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छी तरबियत भी हुई है आपकी और माहौल भी आपको बहुत अच्छा मिला है। जी माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह आगे भी इसी तरह से अल्लाह बस दुआ ये है कि मेरे दुआ है कि मेरे बच्चे और सभी के बच्चों को अल्लाह ताला नेकी के रास्ते पर चलाए। बिल्कुल बच्चों को काम करे आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जी वैसे तो हमारी कोशिश पूरी पूरी होती है आतिफ भाई हाँ ना, और क्या? लेकिन हम इस मुल्क में रह कर भी हाँ, कह रहे हैं ना अपने बच्चों को कॉटन वूल में रैप करके नहीं रख सकते नहीं रख सकते हैं, सही बात हाँ, है जी, हाँ, जी। तो थोड़े बहुत तो बिगड़ने देना भी चाहिए बच्चों को ना? बिगड़ना तो नहीं हार कह सकते। अच्छा बस ये कह सकती हूँ कि यही दुआ है कि अल्लाह ताला सभी के बच्चों को अपना हिफ्ज़ ओ अमान में रखे और उनको नेकी की तरफ गामजन करे अल्लामी आमीन। चले बहुत बहुत शुक्रिया। खैर पीछे सारे जो मेरी क्यू में हैं हाँ, हाँ, कह रहे होंगे कि अब ये चिपकी गई है। चले मैं अपनी गजल सुना दूं। गजल हाँ जी कुछ इस तरह से है कि महफिल के तेरे बिन महफिल के अंधेरे भला दूर होंगे कैसे ये एहसास हमें शम्मा जलाने के बाद आया। वफाओं का कुछ होगा हासिल हमें ये ख्याल आया तो तुम में समाने के बाद आया। अरे वाह महवे कलम हुए इस कदर तेरे नाम का जिक्र मुकम्मल अफसाने के बाद आया। वाह मुद्दतों से बैठे थे इंतजार में वो आया भी तो बहुत रुलाने के बाद आया। टुकटुकी बांधे जब दीदारे यार हुए वाह बेधड़क ही सही हया का ख्याल पर्दा उठाने के बाद आया। हाय 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 बहारें लौट आईं तलख यादों का मौसम आया भी तो
तो तुम्हें बुलाने के बाद आया। हाय हाय हाय। नाराज हमसे हैं, नाराज हमसे हैं। वो ये गिला उनकी जुबान पर सायरा, प्यार जताने के बाद आया। अरे वाह। हाँ जी, वाह 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 जी, शुक्रिया। और वा, एक वा, और छोटी सी गजल है जो मैं, अरे अरे वाह वाह तो करने थे मुझे, इतना जबरदस्त कलाम आपने पढ़ा। वाह वाह वाह, बाद में आप कर दाद दे दीजिएगा जब मैं ये मुकम्मल कर लूँ। अच्छा चलिए ठीक है, मैं बाद में दाद। दूसरी छोटी सी गजल जो मैंने लिखी है वो कुछ इस तरह से है कि जिंदगी की हर रुत जवां लगती है जब मन की नगरी आबाद होती है। हर गम भूल जाता है इंसान जब ये बोझल तबीयत शाद होती है। हर बात हरफे शिकायत बन जाती है जब होंठों पे कोई फरियाद होती है। हाले दिल सुनाते जब आंख हो जाए पुरनम सायरा, तो किसी के दिल में छुपी दर्द भरी कोई रुदाद होती है। अब वावा कर दूं? जी कर दे। वाह 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 वाह। चले ठीक है, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका जी, शुक्रिया आतिफ भाई, आपने मुझे वक्त दिया। अब आपने छुट्टी नहीं करनी, इंशाल्लाह नहीं छुट्टी नहीं करूंगी इंशाल्लाह। मैं बहुत सख्त टीचर हूँ, मैं पिटाई भी कर देता हूँ। मैं भी टीचर रह चुकी हूँ 20-30 साल से। कहाँ? यहाँ इंग्लैंड में। हाँ जी, तभी तो सारे बच्चे मैं बोलूँ किस पे कैसे बिगड़ गई। चले ठीक है, ओके, अल्लाह जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। 30 साल से टीचर है भाई ये, तभी तो हमारे इस शहर के बच्चों का हालत देखे हम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आतिफ भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र करें जनाब आला, अयाज महमूद अयाज जी, अयाज महमूद। और आज मेरा दिल है कि आज मैंने कॉल किया, पहले मैंने लिखा भी है कि कॉल करके मैं आपसे सुनूंगा आपका कलाम। मेरे से सुनेंगे मेरा कलाम? जी, मैं आज आपसे आपका कलाम सुनूंगा। ओहो, थोड़ा मैंने कहा जरा फॉर्मेट को चेंज करें ना। अच्छा, सेम वो चलता तो रहता पहले तो फिर... कुछ आप तो सुना दें, उसके बाद फिर मैं सुना दूंगा। अच्छा, मतलब कि आप कुछ ढूंढने के चक्कर में? नहीं नहीं, ढूंढने तो मुझे तो वैसे भी याद नहीं रहता अपना, मुझे तो किसी का अपना कलाम भी नहीं याद रहता, तो मैं अगर सुनाता भी हूँ तो बड़ा। अच्छा अच्छा, चले, वो तो मुझे भी याद नहीं रहता। कौन याद रखता है? वो जो हम लोग जो नॉर्मली जो मुशायरे के लोग होते हैं ना, वो फिर अपनी दो चार कलाम याद रख लेते हैं, क्योंकि मुझे तो मेरा तो काम ही नहीं है ऐसा, तो इस वजह से मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है, पढ़ देता हूँ जब सामने आता है। एनीवे, आप कुछ सुनाएं पहले। चले मैं भी एक गजल अभी, वाला कि मेरा कोई इरादा नहीं था आज आपसे सुनने का, इरादा है मेरा, चले मैं सुना देता हूँ दो चार। दुख छुपाए हैं साहिबान में यार, आए हाय, दुख छुपाए हैं साहिबान में यार, और क्या है मेरे मकान में यार। अरे वाह 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 वाह, बहुत आला भाई। और एक हैरत परस गई मुझ पर, एक हैरत परस गई मुझ पर, तूने क्या कह दिया बयान में यार। अरे वाह वाह, क्या बात है जी, बहुत आला। एक हैरत परस गई मुझ पर, तूने क्या कह दिया बयान में यार, और मेरी जानब भी आ गए थे सब। हाय हाय, मेरी जान भी आ गए थे सब, तीर बांधे हुए कमान में यार। बहुत आला भाई, क्या बात है, जबरदस्त। और मेरे साथ चल के देख जरा, मेरे साथ चल के देख जरा, अब भी दम है मेरी उड़ान में यार। अरे वाह, अब भी दम है मेरी उड़ान में यार, वाह वाह वाह। अब भी दम है मेरी उड़ान में यार, और मुस्कुरा कर वो झूठ बोलता है, मुस्कुरा कर वो झूठ बोलता है, जायका सच का है जुबान में यार। अरे वाह 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 वाह, बहुत आला बहुत आला। जायका सच का है जुबान में यार, और मैं बुलंदी से गिरने वाला हूँ। हाय हाय, मैं बुलंदी से गिरने वाला हूँ, एक चेहरा है बस ध्यान में यार। हाय हाय, मैं बुलंदी से गिरने वाला हूँ, एक चेहरा है, एक चेहरा है बस ध्यान में यार, और इतनी वहशत के सांस मुश्किल है, इतनी वहशत के सांस मुश्किल है, कोई सहरा है अब गुमान में यार। बहुत आला बहुत आला। और ऐसे मुरझा गया हूँ तेरे बाद, फूल रखा हो एक दुकान में यार। हाय 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 हाय, क्या बात है। दुख छुपाए हैं साहिबान में यार, और क्या है मेरे मकान में यार। क्या बात है जी, बहुत ही आला, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। और अब जनाब आपकी बारी। अभी जो मेरी लेटेस्ट एक छोटी सी गजल है, छोटी सी काविश है। जी जी, इरशाद इरशाद। कोई हाल नहीं तुम्हारा भी,
कोई हाल नहीं तुम्हारा भी, तुमसे एक हम नहीं संभाले गए। वाह वाह, खुशियां सब लुटा दी हैं तुमने, तुमसे बस गम नहीं संभाले गए। क्या बात, चलाकियां सब समझती रही मेरी, तुमसे पेचो खम नहीं संभाले गए। क्या बात, क्या बात, सबने संभाले मेरे सारे दुख, तुमसे कम अज कम नहीं संभाले गए। वाह वाह वाह, हमने रो रो के गंवा दी आंखें, तुमसे दीदाए नम नहीं संभाले गए। क्या बात है, क्या कहने आता, गैर तो गैर थे आतिफ, तुमसे सनम नहीं संभाले गए। क्या बात, क्या बात, कोई हाल नहीं तुम्हारा, तुम्हारा भी, तुमसे एक हम नहीं संभाले गए। क्या कहने, मेरी मेरी वाइफ को भेजी मैंने, उसका जवाब पता क्या आया? जी जी लाइव नहीं बता सकता, छोड़े नहीं नहीं बताओ नहीं यार नहीं नहीं वो अच्छा एक और घर भी जाना है फिर, फिर नहीं नहीं घर नहीं जाना, वैसे ही वो कुछ खास मिला से बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाती है ना बात तो वो अभी मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी, वो कहाँ गई वो बताता हूँ मैं, कि वो किधर थी यार पता नहीं, मेरे जहन से निकल वो जो गाड़ी में बैठ के बनाई, गाड़ी में बैठ के बनाता हूँ मैं, बाहर तो मुझे ठंड लगती है फिर इसीलिए तो, बल्कि वो मैंने उसको ना थोड़ा सा जरा वो अब्बा जी का वो दे दिया था टच, वो अब्बा जी ने नहीं कहा कभी, लेकिन वो वैसे ही मैंने मुकालमा बना दिया कि अब्बा जी कहते थे सुनना सीख लो तो सहना आ जाता है, और जब सहना आ जाता है तो फिर रहना भी आ जाता है। क्या बात, क्या बात है ना। तो आजकल आपकी तरफ मौसम कैसे? मौसम आज तो जीरो टेम्परेचर था, बहुत ठंड थी भाई आज, घर भी पेरिस में आज शाम में तो कमाल की सर्दी हो गई है, दिन में इतना मौसम नहीं था लेकिन शाम में तो एंड है। हाँ यहाँ तो धूप थी, बिल्कुल। चलें बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चलें जनाब थैंक यू वेरी मच, और बहुत शुक्रिया आपने जो अभी पहले जो गजल मेरी शामिल की है वो प्लीज जरूर देखिएगा, उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक था और क्या पार, मैंने पूरा प्लान करके बनाया था, पूरा प्लान करके, कमाल कमाल, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ अयाज, यहाँ पर लाइन पे कौन है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, सिर्फ सुनता ही हूँ, सुनने दिया तक है हमारा काम। कितने लम्हे खामोशी में गुजर गए, खामोशी सिर्फ खामोशी, ये मेरी 20 साल पुरानी नज्म है, 20 साल हो गए इस बात को, कितने लम्हे खामोशी में गुजर गए, खामोशी सिर्फ खामोशी, इन खामोश लम्हों में कितनी सातें ऐसी थी कि मुझे तुमसे हम कलाम होने का बारहा जी चाहा, बारहा मैंने सोचा तुमको मुखातिब करूं, कुछ तुमसे कहूं और कुछ तुमसे सुनूं, मगर न जाने क्यों हर बार मेरी अना मेरे आड़े आ गई और हमारे दरमियान सिर्फ खामोशी। जी तो क्या नाम है आपका? वो खामोशी से याद है भाई, जी मेरा नाम अशफाक है और सुनता आ रहा हूँ माशाल्लाह काफी अच्छे से आपको, और जो हमारी बहन साहिर आजम माशाल्लाह, अरे उनकी तो बात ही ना करें, मैं कहता ये तीन चार बंदे आपके जो होते हैं ना इस महफल में जो आते हैं, ये तो रौनक होती है, चार चांद लगाने वाले, एक वो साहिर आजम सब हो गई है, एक हजरत जी हो गए माशाल्लाह, अच्छा और एक रुखसाना हो गई, तीन माशाल्लाह, इनकी मैं सही क्लास लेता हूँ शायद इसलिए कह रहे हैं, यही सब लेकिन हकीकत में बहुत ही अच्छे लोग हैं, मैं हकीकत, हाँ, इसमें कोई शक नहीं, तभी तो मैं उनके जितना सफर है सफर की आपको दाद देनी पड़ेगी, कोई शक नहीं है। अच्छा तो आप कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, बर्मिंघम से। तो आप क्या सुना रहे हैं कुछ? आप नहीं, मैं सुना नहीं रहा, मैंने सिर्फ इसीलिए फोन किया था, मैंने कहा चल वो हमारे साथ अशरफ, एक छोटा सा कमर्शियल है मेरे पास। Tile Choice Black Friday sale is now on. Reduced low prices and save the cost of your VAT. That's a saving across every single tile in every one of our stores. The Tile Choice Black Friday sale. That's tile. That's value. That's Tile Choice. Visit tilechoice.co.uk. Radio XL Time Check. वक्त हो चुका है 10:23 और एक अदद गजल को मैं प्रोग्राम में शामिल करता हूँ।
रोने वालों से कहो जी हफीज फीजू एम इमरान अच्छा वो मैं बता रहा था क्या कि वो ना एक मैंने वैसे ही वो चुटकुला सा बना दिया था कल बैठे हुए गाड़ी में कि हम परदेश में रहने वाले भी कंफ्यूज होते हैं कि ना क्योंकि मेरा छोटा बेटा एक फॉर्म फिल कर रहा था तो मेरे से पूछने लगा डैडी ये मदर लैंग्वेज में क्या लिखूं फॉर्म फिल करते हैं ना उसमें होता है मदर लैंग्वेज क्या है तो कहते हैं मदर लैंग्वेज में क्या लिखूं उर्दू पंजाबी मीरपुरी इंग्लिश क्या लिखूं मैंने थोड़ा सा सोचा मैंने कहा बेटा लिख दे वेरी लॉन्ग एंड अनकंट्रोलेबल वैसी तो वो मैंने सबको भेजी वाइफ को भी भेजी अपनी मैंने वीडियो कहने लगी बेटा आजकल तो ये फादर लैंग्वेज होती है वेरी लॉन्ग एंड अनकंट्रोलेबल और जितनी खवातीन थी उन सबने मुझे यही लिखा जितनी खवातीन मेरे ग्रुप्स में शामिल है आगे पीछे जिन्होंने मुझे रिप्लाई किया ना उसको उन्होंने यही लिखा कि ये तो आजकल बाप की है लंबी मतलब औरतों में बात आती है तो बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी ना समझे वरना क्या बात थी बज़्म अदब हेलो बज़्म अदब क्या हाल है यार एक और भी बड़ी जबरदस्त वो थी मौसम बहार छोड़ दिया हमने बहसो तकरार छोड़ दिया हमने तुमसे हर बात रही मख्फी अब तो इजहार छोड़ दिया हमने रोज रुकते थे जहां शाम के बाद वो कूचाओ बाजार छोड़ दिया हमने कभी मयसर थे दरो दीवार हमें अब तो घर बार छोड़ दिया हमने तन्हाई से भी वहशत नहीं रही खुद को बे इख्तियार छोड़ दिया हमने कोई मुनसिफ मिले तो बतलाएंगे क्यों मैं ये खार छोड़ दिया हमने सलीम मुर्शिद हा 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 निशा दीना सलाम भाई लिसनिंग फ्रॉम एनजेड न्यूजीलैंड वेरी नाइस माशाल्लाह एनजेड का मतलब न्यूजीलैंड ही होता है ना इश्क में गैरत जज्बात ने रोने ना दिया एक बहुत ही खूबसूरत सी गजल आपने सुनी मुझे यकीन है कि ये गजल आपको अच्छी लगी होगी 10:26 हो चुके हैं अभी भी फोन कॉल्स खुली हुई हैं कुछ ही देर के लिए तो कुछ थोड़ा सा मैं भी सुना दूं खाक मुझ में कमाल रखा है ऐ खुदा तूने संभाल रखा है मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है अपने दामन से करके वाबस्ता हर मुसीबत को टाल रखा है मैं तो कब का मिट गया होता तेरी रहमत ने पाल रखा है ऐ खुदा खाक मुझ में कमाल रखा है ऐ खुदा तूने संभाल रखा है मालूम नहीं उनको इलाजे गमे जाना कहने को तो इस शहर में लुकमान बहुत हैं भराए ना आंखें तो एक बात बताऊं अब तुझसे बिछड़ जाने के इम्कान बहुत हैं ये सिर्फ एक कता मेरे सामने है वैसे ये पूरी गजल मुझे याद होनी चाहिए है देखो अब जहन में नहीं आ रही जिन राहों पर एक उम्र तेरा साथ रहा था कई रोज से वो रस्ते सुनसान बहुत हैं एक तरके वफा पर मैं उसे कैसे भुला दूं उस शख्स के भी तो मुझ पर एहसान बहुत हैं मालूम नहीं उनको इलाजे गमे जाना
कहने को तो इस शहर में लुकमान बहुत हैं, भर आए ना आंखें तो एक बात बताऊं, बताऊं अब तुझसे बिछड़ जाने के इम्कान बहुत हैं, अब तुझसे बिछड़ जाने के इम्कान बहुत हैं। जो बिछड़ जाते हैं, बिछड़ने से पहले बता देते हैं कि हमने बिछड़ना है, बज़ाहिर नहीं, मतलब स्ट्रेट वे नहीं बताते हैं मुंह से कि हम बिछड़ने वाले हैं या हम छोड़ने वाले हैं, उनकी हरकतें और उनके तेवर बता रहे होते हैं कि बस अब ये कुछ दिन का मेहमान है। जैसे हमारे पास भी अक्सर काम करने के लिए कुछ वर्कर्स वगैरह होते हैं, आते हैं, तो उन्होंने जब छोड़ के जाना होता है तो उनकी हरकतें बता रही होती हैं कि अब बस इसने अपनी तैयारी कर ली है जाने की, या फिर ये तैयारी कर रहा है जाने की। वो क्या था, उसके तेवर बता रहे थे मुझे, ख्वाब सारे बिखरने वाले हैं, रात यूं दिल में तेरी भूली हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में चले हौले से बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए, हाय, जैसे सहराओं में चले हौले से बादे नसीम, हौले से, हौले कहना बहुत मुश्किल है वैसे, नहीं सही तरह से प्रोनाउंस करना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो हौले सही तरह से प्रोनाउंस नहीं करते। रात यूं दिल में तेरी भूली हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में चले हौले से बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। हेलो हेलो, मैंने सोचा आखिरी कॉल ले लूं लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा। हेलो, चले कोई बात नहीं। बड़े बेअकल हैं, खुशफहमियों में पल रहे हैं हम, ये कैसी आग है चुपचाप जिसमें जल रहे हैं हम, उन्हीं हाथों से तुझको आज रुखसत करके आए हैं, खड़े साहिल पे हाथों को अकेले मल रहे हैं हम, ये कैसी फिक्र है जो सांस भी लेने नहीं देती, ये दुनिया जल रही है या अकेले जल रहे हैं हम, ये दिल है मेरा सीने में या कसक है कोई जिस पर मुसलसल रो रहे हैं और मुसलसल जल रहे हैं हम, अजब ये कश्मकश है जो मुझे चैन से जी चैन, अजब ये कश्मकश है जो मुझे बेचैन रखती है, तेरे सीने में गम है या के फिर से पल रहे हैं हम, बड़े बेअकल हैं खुशफहमियों में पल रहे हैं हम। हेलो हेलो, जी आपकी आवाज कहीं गायब हुई है। पता नहीं फोन में गड़बड़ हो गई है, अब आ रही है। जी अब आ रही है, कौन बोल रही हैं? जी कौन बोल रही हैं? शहनाज। शहनाज, आप हमारी आखिरी कॉलर हैं। आज तो इब्तिदा नहीं बता दिया था कि इख्तिताम कैसा होगा। जी इरशाद जी, हम तो जीतेंगे दोनों तरफ से बाजी, मर गए तो शहीद, जिंदा रहे तो गाजी। अरे वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया। लड़ने से डरते नहीं मुजाहिदीन, मजहब हक की खातर मजलूम की खातर लड़ना ही है सच्चा दीन। वाह क्या बात है, हक की खातर लड़ेंगे मरेंगे या बचेंगे, रब बदलेगा तकदीर। वाह, आजादी मिलेगी लाजमी ये रब की है तकरीर। वाह, काहिल बुजदिल नकम्मी को मुंह की हालत नहीं बदलती, ये रब की है तफसीर। वाह, खोल के देख कुरानो कुरान मोमनो, खोल के देखो कुरान मोमनो, यही रब की है तदबीर। वाह, रब के साथ दुश्मन के साथ न जंग जो की तो हो गए सदा जलील। वाह, थोड़े हो या नहते हो हक पर ही तुम डटे रहो। वाह शुक्रिया, मैं हूँ तुम्हारा वकील। वाह, डर फिर किस बात का तुमको, मैं जो हूँ कफील। वाह, राजी रहे तो आजादी दूंगा। वाह,
जन्नत दूंगा सदा के लिए, हो गए अगर शहीद। वाह। शहीद हो या गाजी हो जाओ, वाह, सूद मंद मुनाफा मिलेगा, रब के साथ ये सौदा होगा, महंगा नहीं ये सस्ता होगा। वाह। अमानत है ये गारंटी है, लड़ने का जो भी लड़ेगा जो भी दीनो हक की खातिर, सच्चा वो मेरा बंदा होगा। वाह। हुक्म मेरा ये फर्ज है तुम पर, वाह, फर्ज न पूरा अगर किया तो, वाह, जहन्नम में तुम्हारा डेरा होगा। बहुत ही बुरा ये ठिकाना, इससे तुमको बचना होगा। अरे वाह, बहुत शुक्रिया। निकल सकोगे ना इससे बाहर कभी भी तुम, सदा के लिए और पछताना होगा। अरे वाह वाह वाह। शहीद हो या कत्ल, जिस तरह भी चाहे मरोगे तुम, पास मेरे तुम्हें आना होगा। वाह। पलट कर ना कभी फिर जा सकोगे, जन्नत या जहन्नम ही ठिकाना होगा। हाय 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 हाय। कौन सा है अच्छा ठिकाना, इंतहाब ये तुमको करना होगा। अच्छा। हक की खातिर लड़ना होगा, हक की खातिर मरना होगा। वाह वाह वाह। नुकसान है इसका अपना जो भी मेरा मुनकर होगा। वाह। रब नहीं है जालिम हरगिज, तुम्हारी मर्जी पे फैसला होगा। अच्छा। सच है ये शहनाज चांदनी, फैसला रब का सच्चा होगा। वाह वाह वाह, क्या बात है शहनाज, बहुत शुक्रिया। बहुत आला, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल, अब प्रोग्राम को खत्म कर देना चाहिए मुझे यहाँ पे, कॉल्स को खासतौर पर। चले जी, कॉल्स का सिलसिला यहाँ पे खत्म। पहली कॉलर थी रुखसाना खान, इब्तदा उनसे हुई तो इख्तिताम तो ज़ाहिर है फिर ऐसा होना था जैसा हुआ। बहुत कमाल की बहुत कमाल का स्टार्ट हुआ था और उससे भी ज़्यादा कमाल का इख्तिताम हो गया। तो रुखसाना हमारे साथ रही हैं, राजा इश्तियाक डडली से हमारे साथ रहे, ज़हूर अहमद साइम लाहौर से रहे, फरा नाज कैनेडा से, हमजा रसूल लाहौर से, बी ए नदीम सरगोदा से, सायरा आज़म रही हमारे साथ बर्मिंगम से, अयाज़ महमूद पेरिस से, अशफाक बर्मिंगम एंड शहनाज बर्मिंगम से। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने साथ निभाया। अब 10:35 हो चुके हैं, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। कुछ उन लोगों का कलाम प्रोग्राम में शामिल करना है जिन्होंने मुझे भेजा हुआ है। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर से डॉक्टर अदीब। मौसम बहार छोड़ दिया हमने, बहसो तकरार छोड़ दिया हमने, तुमसे हर बात रहेगी मगफी, अब तो इजहार छोड़ दिया हमने। रोज कहते थे जहां शाम के बाद, रोज रुकते थे जहां शाम के बाद, वो कूचा वो बाजार छोड़ दिया हमने। कभी मयसर थे दीवारों दर हमें, अब तो घर बार छोड़ दिया हमने। तन्हाई से भी वहशत नहीं रही, खुद को बे इख्तियार छोड़ दिया हमने। कोई मुनसिफ मिले तो बताएंगे क्यों मैं खार छोड़ दिया हमने। जो करता था हमारी हयात के फैसले, वो साहेब इख्तियार छोड़ दिया हमने। उम्र भर जिसके मुंतजर रहे, उसी का इंतजार छोड़ दिया हमने। वो ना मानेगा तो काफिर कहलाएगा, इसलिए हक का प्रचार छोड़ दिया हमने। कभी मानते थे कि हम भी बुरे हैं, अब ये इकरार छोड़ दिया हमने। जो दिल में रहता था धड़कन की तरह, वो दिलदार छोड़ दिया हमने। खामोशी में भी जो महवे गुफ्तगू रहा, उसी पर एतबार छोड़ दिया हमने। जो सोने को मांगता था हमारी बाहें, उसको बेदार छोड़ दिया हमने। जिसको तितलियों से ममासलत इंतहा की थी, वो गुलबहार छोड़ दिया हमने। गंदुमी रंगत बैजवी खदोखाल थे जिसके, वो मिलनसार छोड़ दिया हमने। जो अंधेरी शब में चांदनी की तरह था, वो नूरे यार छोड़ दिया हमने। बिन देखे भी देखते थे जिसको, उसका दीदार छोड़ दिया हमने। अदीब कोई हमसा मिला तो बताएंगे क्यों अपना प्यार छोड़ दिया हमने, क्यों अपना प्यार छोड़ दिया हमने। डॉक्टर अदीब आजाद कश्मीर से इनका ताल्लुक। अब यहां
आतिफ मसूद, छोटी सी कहावत, सुनना सीख लो तो सहना आ जाता है, और जब सहना आ जाता है तो फिर रहना आ ही जाता है। हम ही थे खुश नसीब कुछ, नजरे निगाह यार थे, वरना तो इस मुकाम के और भी दावेदार थे। कासा बदस्त हम न थे उसकी गली के मोड़ पर, कंगन थे उस कलाई का उसके गले का हार थे। बस तुम ही एक निगाह में दिल को हमारे भा गए। लोगों की बात क्या करें, लोग तो बेशुमार थे। बस ये नसीब में ना था पहलू ब पहलू हम रहें, बाबा रसन थे हम भी कुछ उसके भी दुख हजार थे। कितनों से दोस्ती में हम यूं भी जरा परे रहे, चेहरों पे खदोखाल न थे अंदर के इश्तेहार थे। कल सुबह उठे तो कुछ ना था जबके हमारे ख्वाब में, कल सुबह उठे तो कुछ ना था जबके हमारे ख्वाब में, झीलें थी और कमल बहुत, झूले थे आबशार थे। गौर किया तो ये खुला हम पर आयाज बाद में, कैसे थे संग दिल ये लोग, कैसे अजीब यार थे। हम ही थे खुश नसीब कुछ, नजरे निगाह यार थे, वरना तो इस मुकाम के और भी दावेदार थे। आयाज महमूद आयाज का कलाम, मुझे तुम हार बैठोगे किताब से। एक दफा फिर से पढ़ता हूँ, कुछ थोड़ी सी जरा टाइमिंग आउट हो गई है। हम ही थे खुश नसीब कुछ, नजरे निगाह यार थे, वरना तो इस मुकाम के और भी दावेदार थे। कासा बदस्त हम न थे उसकी गली के मोड़ पर, कंगन थे उस कलाई का उसके गले का हार थे। बस तुम ही एक निगाह में दिल को हमारे भा गए। लोगों की बात क्या करें, लोग तो बेशुमार थे। बस ये नसीब मिला था पहलू ब पहलू हम रहें, बाबा रसन थे हम भी कुछ उसके भी दुख हजार थे। कितनों से दोस्ती में हम यूं ही जरा परे रहे, चेहरों पे खदोखाल न थे अंदर के इश्तेहार थे। कल सुबह उठे तो कुछ ना था जबके हमारे ख्वाब में, झीलें थी और कमल बहुत, झूले थे आबशार थे। गौर किया तो ये खुला हम पर आयाज बाद में, कैसे थे संग दिल ये लोग, कैसे अजीब यार थे। हम ही थे कुछ, हम ही थे खुश नसीब कुछ, नजरे निगाह यार थे, वरना तो इस मुकाम के और भी दावेदार थे। हाय हाय, आयाज महमूद आयाज का कलाम बहुत ही कमाल का लिखा, इसमें बड़ा अच्छा वेरिएशन था, मुझे पढ़ने में बहुत मजा आया। इसकी तैयारी में कर रहा था पिछले एक हफ्ते से, इसको समझने में बहुत टाइम लगा। तो ये इतना इतना गाढ़ा लिखते हैं और इनका ये जो बड़े बहर की गजलें या नज़में होती हैं ना, बड़े बहर की जो गजलें होती हैं सॉरी, उनका तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत मुश्किल काम होता है, ये मैं जानता हूँ। और आयाज जितनी भी गजलें लिखते हैं बड़े बहर की, वो बहुत ही कमाल की होती हैं, लेकिन उनको दूसरे को समझना बहुत मुश्किल होता है, ख़ासतौर पर समझ के पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, वजन में, रिदम में। और जैसे अभी एक लफ्ज़ बी ए नदीम ने बताया था, मात्रे, तो उस हिसाब से इसको बिल्कुल इसकी टाइमिंग के लिहाज से इसको पढ़ने में, अगर इसको इस तरह से ना पढ़ा जाए तो फिर वो जो जिस शायर ने जिसने लिखा है उसने इतनी मेहनत की है वो सब ज़ाया हो जाती है। जैसे कि आज एक और शायर मेरे हाथ लगे हैं, मोहम्मद वली सादिक, मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं,
आज मैं वैसे ही अपनी फेसबुक देख रहा था तो उनका एक उनकी उन्होंने कोई पोस्ट की एक बड़ी जबरदस्त पाकिस्तान के हालात पे लिखी हुई एक गजल। तो मैंने उनसे पूछा ये किसकी है, मैंने कहा ये मेरी है। मैंने कहा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ लूँ। कहते हैं जी जरूर। तो मोहम्मद वली सादिक, इस देश की सोई किस्मत और अहवाल पे रोना आता है, मजदूर से लेके हाकिम के आमाल पे रोना आता है, मक्कार फरेबी चोरों ने इस देश को मिलके लूटा है, इस देश का हर एक लीडर तो गद्दार मुनाफिक झूठा है, इस देश का हाकिम बहनों को दुश्मन के हवाले करता है, ईमान के सौदे कर कर के रिश्वत से तिजोरी भरता है, काजी ने कलम को बेचा है हर रोज लिखारी बिकते हैं, फनकार सहाफी और शायर सब बारी बारी बिकते हैं, आवाज को यहाँ मजलूमों की हर रोज दबाया जाता है, और फैसला मुजरिम के हक में फिर खुल के सुनाया जाता है, हर घर में यूं बातों बातों में तलवार निकाली जाती है, हर रोज यहाँ एक दूजे की दस्तार उछाली जाती है, हर कूचे पे हर दफ्तर में गद्दार हैं रिश्वत खोरी है, घर जेब में पैसे हों तेरे हर काम की फिर मंजूरी है, अफसोस तवाइफ को हर दिन तमगों से नवाजा जाता है, सदहीफ नबी के आशिक को सूली पे चढ़ाया जाता है, हर रोज इबादत गाहों की दीवार गिराई जाती है, हर रोज यहाँ पर मस्जिद ही मिसमार कराई जाती है, इस देश के कूचे कूचे में हर घर में फाका होता है, दिन भर जो मुशक्कत करता है वो रात को भूखा सोता है, इस देश में माओं बहनों को नीलाम कराया जाता है, इजसाम फरोशी की खातिर कोठे पे बिठाया जाता है, हर राह में भेड़िए बैठे हैं हर आन यूं ही कुर्राते हैं, तारीख यूं कत्लो गारत की हर रोज नई दोहराते हैं, हर रोज यहाँ पर जैनब और फरियाल का लाशा मिलता है, यूं जुल्मो सितम का देखने को हर रोज तमाशा मिलता है, इस देश की सोई किस्मत और अहवाल पे रोना आता है, मजदूर से लेकर हाकिम के आमाल पे रोना आता है, मजदूर से लेकर हाकिम के आमाल पे रोना आता है। मोहम्मद वली सादिक, सलूट है आपको। हाय हाय, क्या सच्चाई लिख दिया आपने यार, क्या लिख दिया है बताएं सर। एनीवे, टाइम चेक लेता हूँ। वक्त हो चुका है 10:47 का, तो गजल का प्रोग्राम में शामिल कहाँ गई। हेलो, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये कैसी है, रोना आता है। बहुत कमाल यार, बहुत कमाल लिखा है, हद से ज्यादा कमाल लिखा है। मतलब मैं पढ़ के हिल गया एक दफा, मैंने मैसेज किया उनको, मैंने कहा भाई पढ़ लूं। लगे जाए 30/11/2019 ये मैं कल भेजूंगा ना अपने ग्रुप्स में, कल के परसों जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो आपसे गुजारिश है कि आपने इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अयाज भाई मजा आया नहीं आया? वाह, किस पे वाह की, अपनी पे या इस पे?
बहुत दिनों बाद ना मैंने उस दिन मैं रात में नींद नहीं आ रही थी तो मैंने निकाल ली मुझे तुम हार बैठोगे और उसको पढ़ने लगा तो उसमें ये निकली हम ही थे खुश नसीब कुछ अंदर नजरें निगाहें यार थे इसको फिर मैंने ना थोड़ा सा रिदम किया ना इसको तो रिदम में बड़ा मजा आया मुझे मैंने कह रही तो बहुत कमाल का लिखा हुआ है अल्फाज बहुत चुनाव बड़ा जबरदस्त है इसका तो अब देखें आप आपको तो पता ही नहीं आपने क्या लिख दिया आप भूल गए इसको तो कभी आपने पढ़ी नहीं ना किसी को भेजी होगी ना किसी को पता होगा अब आतिफ मसूद का शुक्रिया अदा करें समझे कि आपके ऐसी दबी हुई छुपी हुई बिल्कुल जिनको कोई नहीं जानता वो गजलें और नज़में मैं निकाल निकाल के पढ़वाऊं बिल्कुल कमाल लिखा है भाई ने यार बहुत कमाल लिखा है इसमें कोई शक नहीं है किस पे वाह की हजरत किस पे अयाज महमूद अयाज इस पे वाह की थी किस पे अच्छी नजम थी हमजा रसूल जी हाँ रिमझिम गिरे सावजन एक बहुत ही जबरदस्त आपने गजल सुनी मुझे यकीन है कि अच्छी लगी होगी एक छोटा सा कमर्शियल है फिर मिलते हैं Rush into Robinson and Rush for all your electrical goods. 100 meters of 2.5 millimeter twin and earth socket cable for only $36.99. Triton showers from $49.99. And great deals on burglar and fire alarms, plus CCTV cameras. We are large stockists of decorative switches and sockets and heating from Dimplex and Creda. Speak with our friendly team at Robinson and Rush. Branches at 221 Station Road, Stechford, B33-8BB. And 13 Lakey Lane, Hall Green, B28-9DU. All price This is a plus VAT. जी हाँ रेडियो एक्सएल में अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त हो गया लेकिन जाने से पहले एक आखिरी नज्म आपके लिए सुनो ये आखिरी हसरत बड़े अरमान से दिल के किसी कोने में बैठी है कहो ना मान जाओगे ना मांगेंगे खुशी तुमसे ना जर दौलत का पूछेंगे ना कोई प्यार की ख्वाहिश वफादारी ना दिलदारी बस एक अदना तमन्ना है कि जब मौत आएगी हमें बाहों में भर लेना हमें ये आखिरी हिचकी तुम्हारे नाम करनी है सुनो ये आखिरी हसरत बड़े अरमान से दिल के किसी कोने में बैठी है कहो ना मान जाओगे ना मांगेंगे खुशी तुमसे नजर दौलत का पूछेंगे ना कोई प्यार की ख्वाहिश वफादारी ना दिलदारी बस एक अदना तमन्ना है कि जब मौत आएगी हमें बाहों में भर लेना हमें ये आखिरी हिचकी तुम्हारे नाम करनी है ज्यादा पास मत आना मैं वो तहखाना हूँ जिसमें कोई खिड़की नहीं बाकी फकत कब्रें ही कब्रें हैं कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन्हीं कब्रों में खो जाओ यहीं इन्हीं में दफन हो जाओ गुलाबी हो कहीं ऐसा ना हो कि तुम जर्द हो जाओ मोहब्बत की हरारत खो के बिल्कुल सर्द हो जाओ सरापा दर्द हो जाओ सो मेरे सादा ओ मासूम मुझको रास मत आना ज्यादा पास मत आना जिंदगी पर किताब लिखूंगा उसमें सारे हिसाब लिखूंगा प्यार को वक्त गुजारी लिखकर चाहतों को अजाब लिखूंगा हुई बर्बाद मोहब्बत कैसे कैसे बिखरे हैं ख्वाब लिखूंगा अपनी ख्वाहिश का तस्किरा करके उसका चेहरा गुलाब लिखूंगा मैं उससे जुदाई का सबब अपनी किस्मत खराब लिखूंगा मैं उससे जुदाई का सबब अपनी किस्मत खराब लिखूंगा चले जी कैसा मैं उससे जुदाई का सबब अपनी किस्मत खराब मेरी किस्मत खराब थी मैं जुदा हो गया आपकी यादें हमेशा मेरे साथ और मुझे यकीन है कि आप भी मुझे कभी नहीं भूलेंगे बहुत उमदा सलीम मुर्शिद मजा आया नहीं आज के प्रोग्राम में आज मैं बड़े मूड में प्रोग्राम कर रहा था पता नहीं आपको मजा आया नहीं आया